प्रदेश के निजी नलकूप प्रदेश के अंदर 14,78,591 किसानों के पास ये निजी नलकूप है, जिसमें 13,48,093 निजी नलकूप किसानों के ऐसे हैं जो 10 हॉर्स पावर या उससे नीचे के हैं। 1,28,944 ऐसे निजी नलकूप हैं जिनकी 10 से 15 हॉर्स पावर क्षमता का के जो हॉर्स पावर के हैं, और 8,923 ऐसे जो 15 हॉर्स पावर से ऊपर के हैं। इस योजना में हम इन सभी को यहां पर लागू करने जा रहे हैं कि उनको हम इस ऋण माफी के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके मुफ्त में उसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। और इसको हम लोगों ने 1 अप्रैल 2023 से ही लागू किया है। बहनों और भाइयों, गत वर्ष हमने इसके लिए 1500 करोड़ रुपए की राशि उत्तर प्रदेश के बजट में की थी। आपने वित्त मंत्री को इसीलिए लेके आए, ऐसा ना हो बाद में मुकर जाए। क्योंकि उनको फोटो दिखाएंगे ना उस समय के, देखो आप ही के सामने सब हो रहा है। तो पैसा देने में खन्ना जी कभी कभी भूल जाते हैं। और इस बार 2400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। लेकिन इसके साथ ही कुछ और योजनाएं भी, आप यहां पे इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो स्कीम आई है जिसमें आप देश के एक बड़े कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं, स्वस्थ ईंधन की तरफ जुड़ सकते हैं, जो आपके निजी नलकूप है। इस निजी नलकूप में जब सिंचाई की आवश्यकता पड़े उस समय पानी दीजिए, शेष समय आपको बिजली मिलती है, अतिरिक्त आमदनी कर सकते हैं सोलर पैनल लगाने की कार्रवाई इस पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहिए। अतिरिक्त आमदनी आपकी होगी। 60% अब तक हम उसमें सब्सिडी दे रहे हैं और ऊर्जा विभाग अलग से दे रहा है, बल्कि अगर दोनों विभाग एक साथ मिलकर के, कृषि विभाग और ऊर्जा विभाग एक साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को चलाएगा तो और अच्छे ढंग से इसको ज्यादा किसानों को जोड़ सकते हैं। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि 14,78,000 जो हमारे अन्नदाता किसान है, इनको हम प्राथमिकता के आधार पर पीएम कुसुम योजना या सोलर पैनल उपलब्ध कराने के इस कार्यक्रम के साथ प्राथमिकता के साथ जोड़ सकेंगे, तो अन्नदाता किसान की अतिरिक्त आमदनी भी होगी और बिजली की आवश्यकता भी नहीं होगी।